गुड आफ्टरनून बेटा। टुडे वी डिस्कस आइडेंटिटी नंबर 4 एंड दिस इज द लास्ट आइडेंटिटी फॉर योर सिलेबस। दिस इज एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। देखो दिखने में बड़ी खतरनाक दिख रही है बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तक जितनी भी आइडेंटिटी लगाई हमने, देर आर टू ब्रैकेट्स, ठीक है, और दोनों के दोनों ब्रैकेट्स के एल्जेब्रिक पार्ट जो थे वो या तो सेम हुआ करते थे विद सेम सिंबल या फिर डिफरेंट सिंबल्स, या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चले थे या दोनों एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी ऐसा कुछ चला था, है ना। बट यहां देखो एक्स एक्स सेम है, ए और बी दोनों डिफरेंट पार्ट है ना। जैसे मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल लिखा मैंने आपके लिए कि एक्स प्लस थ्री एंड सेकंड इज एक्स प्लस फोर। अब तक जो आइडेंटिटी लगाई हमने उसमें क्या था, फर्स्ट ब्रैकेट भी एक्स प्लस थ्री था, सेकेंड ब्रैकेट भी एक्स प्लस थ्री था, तो हमने क्या किया उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर मान के सॉल्व कर दिया। बट यहां क्या दिखा, फर्स्ट वैल्यू जो थी वो सेम है, सेकंड वैल्यू दोनों की डिफरेंट है। इस फर्स्ट केस में अपने पास दोनों वैल्यूज के सिंबल सेम है पॉजिटिव, सिंबल्स क्या है अपने सेम है पॉजिटिव, बट इन केस पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव मिल जाए तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक फॉर्मूला अपना यही लगना है। हाँ, अगर मैं चाहूं तो आपको इसके लिए फोर डिफरेंट आइडेंटिटी लिखवा दूं और कि बेटा देखो प्लस का आएंगे तो ये लगाएंगे, माइनस की आएगी तो ये होगा, दोनों सेम माइनस के होंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव होगा तो क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला काम है, ठीक है ना। जब हमारा काम एक सिंपल से आइडेंटिटी से सॉल्व हो सकता है देन व्हाई कैन वी यूज मोर देन वन आइडेंटिटी फॉर दिस, है ना, हम उसके लिए और ज्यादा आइडेंटिटी का यूज क्यों करें जब एक ही आइडेंटिटी हमें सब कुछ सिखा देगी। यानी केवल पॉजिटिव जो लगाया है वही हमें सब कुछ दे रहा है, तो हम इनके साथ नेगेटिव सिंबल लेके क्यों चले, नेगेटिव वहां अपने आप पुट कर लेंगे, इतना तो है अपने पास थिंकिंग थोड़ी सी। चले देखो इसके अकॉर्डिंग देखो, फर्स्ट एक्स सेकेंड एक्स सेम वैल्यूज है, इट मीन्स एक्स और एक्स सेम है, तो यहाँ क्या बना एक्स का स्क्वायर सो एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस ब्रैकेट बनाया a प्लस बी, a किसका प्लस का थ्री, b किसका प्लस का फोर, यानी ये जो थ्री एंड b फोर जो था वो b है a और b, देन थ्री प्लस फोर ब्रैकेट के बाहर x प्लस ए बी, इट मीन्स a मल्टीप्लाई बाय b, इट मीन्स थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर, x का स्क्वायर x स्क्वायर, थ्री प्लस फोर इट गिव्स सेवन, x का x, थ्री और फोर थ्री फोर जा ट्वेल्व, देन फाइनल आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व। कुछ करें एग्जाम्पल्स उसके बाद बात करेंगे और कुछ। मान लिखा मैंने आपके लिए टू ए प्लस थ्री एंड टू ए प्लस फाइव, इट मीन्स इस पार्ट में अपना ये जो 2a है वो किसको डिनोट कर रहा है, x को, 3a के इक्वल है एंड 5 अपना b के इक्वल है। करें वैल्यूज पुट, फर्स्ट ऑफ ऑल x स्क्वायर, x किसको डिनोट करता है 2a को, इट मीन्स 2a का स्क्वायर प्लस a प्लस b, a कितना था 3, b कितना है 5, उसके बाद x, x की प्लेस पे कौन आएगा बेटा कि 2a प्लस a इंटू बी, इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई विद 5, 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर a स्क्वायर, 5 और 3 टुगेदर मेक 8, 8 टू जार 16 a प्लस 5 थ्री जार 15, ठीक है। ओनली यूज कर रहे हैं किसको, हम पॉजिटिव आइडेंटिटी को, ठीक है ना।
केवल किसका यूज करें हम लोग, पॉजिटिव आइडेंटिटी को। मान ले लिखा मैंने एक्स स्क्वायर वाई प्लस फाइव और एक्स स्क्वायर वाई प्लस सिक्स। इट मीन्स अपना एक्स किसको डिनोट कर रहा है, एक्स स्क्वायर वाई को, और ये फाइव ए है और सिक्स अपना बी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी करें अप्लाई, देन एक्स स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, फिर एक्स, फिर ए इंटू बी, तो फाइव इंटू सिक्स। एक्स की पावर टू अंदर थी, टू बाहर थी, एक्स की पावर फोर, वाई की पावर वन और वाई की पावर टू, टू वन जा टू, प्लस फाइव प्लस सिक्स टुगेदर मेक इलेवन, एक्स स्क्वायर वाई प्लस सिक्स फाइव आर थर्टी। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए लिखूं मैं यहाँ फोर्थ नंबर, फिर इसी आइडेंटिटी को अभी केवल पॉजिटिव पार्ट में लेके चलें, फिर नेगेटिव में लेके जाएंगे। ठीक है, लिखा मैंने आपके लिए 3z प्लस 5 और 3z प्लस 7। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 3z इज इक्वल टू x, देन 3z स्क्वायर प्लस a प्लस b 5 प्लस 7 या फिर x, देन 3z प्लस 5 इंटू 7, 3 स्क्वायर 9z स्क्वायर, 7 प्लस 5 12 और 12 थ्री जा 36 z और 7 5 जा 35। ठीक है, यानी सिद्धार्थ बाबू ने कहीं ना कहीं गलती जरूर की है, जो 105 आंसर आया उसका, है ना। चेक करना बेटा इसको, आपने क्या किया होगा कि शायद 7 को भी 5 से मल्टीप्लाई किया, 7 5 जा 35 और 35 3 जा 105 होता है ना, जबकि हमें क्या करना था, 7 में 5 को ऐड करना है देन मल्टीप्लाई करनी है। ओके, तो ये तो थी देखो अपनी पॉजिटिव आइडेंटिटी, जहां हमने x प्लस ए और x प्लस बी का यूज किया। यूज तो वहां भी x प्लस ए और x प्लस बी ही करेंगे, बट वहां कुछ क्वेश्चन को बदल देते हैं, वैल्यूज डिफरेंट करते हैं, एक पॉजिटिव करते हैं और एक नेगेटिव पार्ट लेके चलते हैं। तो दिमाग तो घूमना ही नहीं चाहिए अपना, है ना, बस क्वेश्चन घूमेगा और उसको आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, 4x प्लस 5 और 4x माइनस 3। इट मींस इस केस में a पॉजिटिव है और b नेगेटिव है, a पॉजिटिव है और b नेगेटिव है, तो जहां a की वैल्यू रखेंगे उसको पॉजिटिव की बनाएंगे और b की वैल्यू को नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है, बाकी सेम एज आइडेंटिटी वही है, x किसको डिनोट कर रहा है बेटा कि 4x को, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू माइनस 3। बस सिंबल साथ साथ लेते चलना, आंसर आराम से आ जाएंगे, कहीं रुकने की जरूरत नहीं होगी आपको, है ना, कि 5 इज मल्टीप्लाई विद माइनस 3, 4 का स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 2, 2 4 जा 8 एक्स एंड 5 3 जा 15। लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, मान ले लिखा मैंने 6z प्लस 3 एंड 6z माइनस 1।
है कुछ कॉम्प्लिकेसी? बिल्कुल भी नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि वी नो दैट x इज इक्वल टू 6z, देन 6z का स्क्वायर प्लस a किसको डिनोट कर रहा है? प्लस 3 को. b किसको डिनोट कर रहा है? माइनस 1 को. फिर यहाँ क्या लिखना था? x, x किसकी जगह आया? 6z, फिर प्लस a, a किसको इक्वल है? 3 के. b किसके इक्वल है? माइनस 1 के. ठीक है, देन 6 का स्क्वायर 36, z का स्क्वायर z स्क्वायर 3 माइनस 1 2, 2 6 जार 12 z, 3 1 जार 3. अब क्या हो अगर माइनस इधर आ जाए प्लस उधर चला जाए? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन यही रहेंगे. मैं सेम डिजिट को चेंज करता हूं, यानी प्लस का 5 उसकी जगह माइनस का 3, सॉरी माइनस का 5 कर देंगे और इसको प्लस का बनाएंगे. केवल साइन का इंटरचेंज किया हमने, है ना. तब आपको ये पता लगेगा कि एक सिंबल चेंज होते ही वैल्यू कैसे बदल जाती है. एक छोटा सा सिंबल चेंज किया, प्लस की जगह हमने माइनस का सिंबल लगाया है और माइनस को प्लस में ले गए, तो वैल्यूज कितनी बदल गई. देखो, सेम एज 4x a माइनस 5 b प्लस 3, देन 4x a माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर. 5 में से 3 लेस हुए, माइनस का 2, माइनस 2 4 से मल्टीप्लाई करते माइनस 8, एंड 5 3 जार 15. बस एक छोटा सा सिंबल बदला था, बदलते आंसर चेंज हो चुका. देखो 16x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 था, 16x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 15 था. आप लोग कहते हो ना सर क्या फर्क पड़ता है, एक छोटा सिंबल मैं गलती से माइनस लगा दिया, है ना, मैंने गलती से माइनस को प्लस बना दिया. अब देख क्या हो गया, देख आंसर बिल्कुल डिफरेंट हो गए, है ना. आंसर बिल्कुल ही क्या हो चुके हैं, डिफरेंट हो चुके हैं. ठीक है, एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और इसी का, इसमें फर्स्ट वैल्यू होगी माइनस की और सेकंड प्लस की. मान लिखा मैंने 9xy माइनस 11 एंड 9xy प्लस 3. Totally x, totally x. Then 9xy square minus नहीं plus आएगा, minus 11 plus 3 आएगा और यहां बनेगा 9xy और ये आएगा plus में minus 11 multiply by 3. 9 square 9 9 जा 81, x की power 2, y की power 2. 11 में से 3 लेस किया, माइनस 8, 9 8 जा 72xy, 11 3 जा 33, देन माइनस का 33. ओके, ये बन गया आपका फाइनल आंसर. यानी यहां तक इस आइडेंटिटी में हमने टोटली 3 स्टेप्स कंप्लीट किए हैं, जिसमें फर्स्ट a एंड b बोथ आर पॉजिटिव, सेकंड a पॉजिटिव b नेगेटिव, थर्ड a नेगेटिव b पॉजिटिव, बट फोर्थ केस में बोथ a एंड b आर नेगेटिव. a एंड b बोथ आर नेगेटिव. ठीक है, दोनों ही वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव वैल्यू होगी. लेके चले क्वेश्चन एक और, उसमें भी 2 और 3 क्वेश्चंस करके इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे हम लोग. आई थिंक क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट साथ साथ हो रहे होंगे, है ना, या जो नोट डाउन कर रहे हो नोट डाउन कर रहे होंगे साथ साथ. टू ए स्क्वायर माइनस 3 और 2a स्क्वायर माइनस 5, इट मीन्स बोथ a एंड b
हैविंग सेम साइन इज इक्वल्स टू माइनस, है ना, इक्वल साइन है, बस साइन ही तो बदला है, बाकी मैटर थोड़ी बदला है, बदलना ही नहीं चाहिए, है ना। चले तो लिखा 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 3k, b इज आल्सो इक्वल्स टू माइनस 5, देन यहां रहा x की प्लेस पर 2a स्क्वायर प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई विद माइनस 5, 2 स्क्वायर 4, a की पावर 4, माइनस माइनस सेम साइन विल बी एडेड, बट साइन तो प्लस माइनस माइनस का ही रहना है, ठीक है। 5 × 3 = 8, 8 × 2 = 16, a स्क्वायर 3 × 5 = 15, माइनस माइनस प्लस। एक छोटा सा सिंबल सब कुछ बदल के रख देगा, है ना। देखो अब तक के जितने क्वेश्चन सॉल्व किए ना हमने, हमने एक चीज नोट की कि अपना फर्स्ट वेरिएबल पार्ट था, सेकंड कांस्टेंट पार्ट था। अब दोनों के दोनों पार्ट इन दोनों बोथ टर्म्स जो होगी उनको हम कैसे लेंगे, वेरिएबल पार्ट में लेंगे। कैसे लेंगे देखो, 3x - 4y और 3x - 2y, 3x और 3x किसको डिनोट करेंगे, x को, और ये 4y और ये 2y वो डिनोट करेगा a और b को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x स्क्वायर इट मींस 3x का स्क्वायर प्लस माइनस 4y माइनस 2y ब्रैकेट के बाहर 3x प्लस माइनस 4y मल्टीप्लाई विद माइनस 2y, 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस सेम साइन ऐड हो गए, 4 और 2 कितने हो गए 6, 6 × 3 = 18, एक्स वाई विद नेगेटिव साइन, माइनस माइनस प्लस, 4 × 2 = 8 और वाई ने वाई से मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर। सेम एज क्वेश्चन आपके लिए देता हूं एक में, 11 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, मान लिया हमने कि 4x - 3z एंड 4x - 7z, सेम एज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10।